आपने बड़े प्रेम के साथ मुझे बुलाया और ऐसा ही मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, बीच में मेरा माइक बंद न हो मुझे। पर मैं आपसे आग्रह करूंगा कि मेरी भी बात इसके बाद आपको सुनना होगा। आप रुकेंगे 5 मिनट के बाद आपकी भी बात सुनता हूं। आप नहीं रुकेंगे मेरी बात सुनने की। बात यह है साहब कि इस सदन में जो हम चर्चा चाहते थे उस लिए हम प्राइम मिनिस्टर का स्टेटमेंट की अपेक्षा कर रहे थे, अभी भी कर रहे हैं। वही इसमें हम लोग देख रहे हैं, लेकिन अब 4-5 दिन हो गए प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं और बैठे जगह इसी पार्लियामेंट में अपने ऑफिस में बैठ के सब देखते हैं, लेकिन स्टेटमेंट क्यों नहीं दे रहे। और उसके वजह से हम अपने विचार आपके सामने रखने के लिए और उनके सामने रखने के लिए सभी इंडिया तैयार है, पूरे भारत इंडिया के लोग तैयार है। आप मौका नहीं दे रहे हैं, तो सरकार मौका नहीं दे रही और सुनना भी नहीं चाहती। हमारी जो सच बात है उसको रखने भी नहीं दे रही है। इसीलिए मैं इस उनका जो सरकार का बिहेवियर है, सरकार किस ढंग से चल रही है, इसको प्रोटेस्ट करके हम सब लोग वॉकआउट करते हैं।